रमजान के पवित्र माह के 30 रोजों के बाद आज मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में पहुंच सामूहिक रूप से पूरी श्रद्धा के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की, जिसमें इमामों ने देश की तरक्की और अमनो अमान की दुआ की। पिछले 2 साल से कोविड-19 के कारण ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की जा सकी थी। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार शहरों के दोनों ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस मौके पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। इस अवसर पर बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी, जिन्होंने बड़ों के साथ ही आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। और आज जनपद फरुखाबाद के अंदर जो अलविदा की नमाज थी वो सकुशल संपन्न की थी, और सभी जगह पूरे जनपद में सकुशल संपन्न हो चुकी है। सभी जगह सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और कहीं कोई इशू नहीं। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जितने लोग हैं सब आपस में मिल मोहब्बत भाईचारा और एक दूसरे के हमदर्दी, एक दूसरे के खुशी में गम में शरीक रहें, और इस देश की तरक्की के लिए हम जो भी कर सकते हो वो करते रहें।